ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ बोलना है? आपसे गुजारिश है। बैठो, बोलो नाहिद। आप मेरी अम्मी को फोन करके बता दीजिए कि मैं यहाँ बखैरियत हूँ और कुछ दिन और यहाँ रुकूंगी। वो खामखा परेशान हो रही होंगी। बस इतनी सी बात? अच्छा, नंबर बताओ अपनी अम्मी का। मैं लगा देती हूँ। बेल जा रही है। एक मिनट। Yes? आप नाहिद की वालिदा बोल रही हैं? जी कहिए, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं प्रोफेसर इम्तियाज बोल रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये नाहिद ने आपको बताया होगा कि आजकल ये बच्चे हमारे साथ ही रह रहे हैं? हाँ, नाहिद ने जिक्र किया था। मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं इम्तियाज साहब? आओ, बच्चों ने आपको ज्यादा परेशान ना किया हो। नाहिद कैसी है? हाँ जी, नाहिद तो ठीक है, लेकिन हम ठीक नहीं हैं। जी हम समझे नहीं। कहे कि दो चार दिनों में ही बच्चों ने हमारा दिल ऐसे जीत लिया है कि अब यहां से इनका जाना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहां से चले जाएंगे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। जाहिर है आपने बच्चों को इतना प्यार जो दिया है, आपसे इतना घुल मिल गए हैं कि आपके अलावा किसी और की बात ही नहीं करते। प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब। लेकिन अगले हफ्ते उनके कॉलेज खुल रहे हैं और उनको तो वापस आना ही है। मोहतरमा, ये बात ज्यादती कर रही हैं आप हमारे साथ। आपको इनके कॉलेज की फिक्र है, हमारी जान की कोई फिक्र ही नहीं। बड़े ही दिलचस्प आदमी लगते हैं आप। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? बस कुछ ज्यादा नहीं, नाहिद को कुछ दिन और हमारे साथ रहने की इजाजत दे दीजिए। आपकी जान हमें बहुत प्यारी है इम्तियाज साहब। नाहिद कह रही थी कि आप इंसान नहीं, फरिश्ता है। ऐसा कहा नाहिद ने? ऐसा कहा तो बिल्कुल गलत कहा। फरिश्तों की बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं। हम तो सही इंसान होने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि इन बच्चों के यहां आने से हमारी वीरान जिंदगी में थोड़ी बहार आ गई और दिल चाहता है कि इस बहार का लुत्फ थोड़े दिन और उठाया जाए। बाकी बच्चे तो राजी हो गए हैं। हाँ, नाहिद आपकी इजाजत की मुंतजर है। इजाजत तो देनी ही पड़ेगी इम्तियाज साहब, आपकी जान जो हमें इतनी प्यारी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और, हम नाहिद को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है इम्तियाज साहब। असल में नाहिद के अब्बा मरूम चाहते थे कि नाहिद उर्दू पढ़े, लेकिन उस वक्त मैंने मना कर दिया था। And I'm feeling really bad about it now. It's all right. मोहतरमा, जो तब नहीं हो सका उसे अब हम करेंगे। गलती सुधारना इंसान का फर्ज है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। लीजिए, नाहिद से बात कीजिए। हेलो, थैंक यू अम्मी जी। हम तो यहाँ खैरियत से हैं, आप बताइए। तो आज मैं तुम सबको उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी बहिश्ती की बीवी सुनाता हूं। अच्छा, बहिश्ती यानी भिश्ती। पहले जमाने में जो पानी लाने ले जाने का काम किया करते थे, घरों में पानी भरने का काम किया करते थे, आज भी दूर दराज के गांव में उनको यही काम करते हुए देखा जा सकता है। तो नानक दीन यानी कि ननकू एक भिश्ती था जो चौधरी खुदा बख्श के यहां सुबह और शाम पानी भरने का काम किया करता था।
दोपहर में वो कहीं और भी काम किया करता था। उससे जो उसे कमाई होती थी ना, उसी से उसका परिवार चलता था। और ननकू की एक बीवी थी रखो, बला की खूबसूरत औरत थी। ननकू में और उसमें बहुत प्रेम था, आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते थे। ननकू के लिए रखो उसकी अंधेरी कुटिया में चिराग की तरह से थी, चिराग की तरह से। रखो को ना धोखेबाजी की चुपड़ी से ज्यादा दयानतदारी की रूखी पसंद थी। गुड। जब उसका पति काम के लिए बाहर जाता तो फुर्सत में वो मूंज की रस्सी बना लेती, खजूर की टोकरियां बना लेती, और जब शाम को ननकू घर वापस आता और अपनी कमाई रखो के हाथ में रखता तो रखो को ऐसा लगता है जैसे उसे दुनिया की दौलत मिल गई हो। सर्दियों के दिन थे, रोज की तरह से ननकू ने अपनी मशक उठाई और चौधरी के घर की तरफ रवाना हो गया, और रखो उसने झाड़ू उठाई और अपने घर का सारा कूड़ा करकट बाहर फेंकने लगी। रखो, ए रखो। कौन? गौरा? हाँ मैं ही हूँ। झाड़ू लगा रही है क्या? हाँ। खुदा जाने तू किस मिट्टी की बनी है कि इतनी सर्दी में भी झाड़ू लगा रही है। अरे पर वो तो वहाँ चरस का दम लगाकर सर्दी वर्दी सब भूल जाता है, और तू क्या कहती है गौरा? कौन चरस पीता है? कौन पीता है? अरे वही तेरा ननकू, और कौन। मैं जरा बाजार गई थी तो मियाँ ननकू चौधरी के साइज के साथ बैठे चरस लगा रहे थे, पर वो करे भी क्या भला, इस सर्दी ने तो। गौरा क्या जाने चरस क्या भला होती है, कितनी महंगी पड़ती है इस चरस की गर्मी। पिछली बार दम लगा कर आया था तो बेहोश सा आकर पड़ गया था। रखो बड़े गुस्से में थी और मन ही मन चौधरी के साइस को गालियां दे रही थी। कमबख्त मुआ, अगर ये साइस नहीं होता तो मेरा ननकू चरस के चक्कर में ही नहीं पड़ता। दिन भर ये बात सोचकर रोती रही, गुस्सा करती रही, और जैसे ही शाम को उसका ननकू आया बस रखो का गुस्सा तो साथ में आसमान पर था। रखा, रखा, तुझे खाने का दो। तुम नशा करो, तुम्हें खाने पीने से क्या। कौन कहता है, कौन कहता है मैं नशा करता हूँ, कौन कहता है। तुम्हारी शक्ल कहती है, आज बाजुओं में ताकत है, तन में जाने तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कल जब बुढ़ापा आएगा तो कोई दो कौर के लिए नहीं पूछेगा। मेरे बाप के घर जाऊँ ना तो कुछ ना देना, घर में बैठ के बातें बनाती हो। जरा इस कड़ाके की सर्दी में मस्क उठा के बाहर जाना पड़े ना तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। हाँ, घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और टर टर बातें बनाती हो। हाँ? ननकू को ना
रखो का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चुपचाप अपने कमरे में गया, बिना कुछ खाए पिए सो गया। रखो ने देखा, वो भी बहुत गुस्से में थी और उसका गुस्सा जायज भी था। वो भी अंदर गई, कुछ भी नहीं खाया पिया और जाके सो गई। जब सुबह उठी तो उसने देखा ननकू बुखार में तवे की तरह से जल रहा है। रखो का सारा गुस्सा काफुर हो गया। वो रात की बात भूल गई और भाग करके हकीम के पास गई, वहां से दवा लाई और सारा दिन उसकी तिमारदारी में लगी रही। और रात को उसके सरहाने बैठकर उसे देखती रही और देखते देखते उसे नींद आ गई। और जब वो सुबह उठी तो उसने देखा, अरे ननकू तो गहरी नींद में सो रहा है। पहले उसने सोचा, फिर उठी, कमरे के बाहर गई, मशक को उठाया और सुन्न कर देने वाली सर्दी में चौधरी के घर की तरफ रवाना हो गई। अब चौधरी खुदा बख्श, उसके बारे में यूं कहो कि जब कोई आदमी पहली बार चोरी करता है ना, चोरी करने के बाद पछताता है, और जब दूसरी बार उसे मौका मिलता है तो भी वो वही करता है। ऐसे है खुदा बख्श। तो खुदा बख्श ने जब पहली बार रखो को देखा तो उसे देखता ही रह गया। सुनो। जी सरकार। तुम क्यों आई हो? सरकार ननकू बीमार है। नहीं मोहताज जेवर का, जिसे खूबी खुदा ने दी। जी सरकार, कुछ कहा आपने? कुछ नहीं। अब कैसी तबीयत है ननकू की? ज्यादा खराब है क्या? सरकार
मौसम के बदलते तबीयत ऊपर नीचे तो हो ही जाती है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। सुनो, दवा दारू के लिए पैसे की जरूरत पड़ती होगी, ये रख लो। जी सरकार। नहीं, रहने दीजिए सरकार, ननको खुद ले जाएगा। रख लो, रखो, रख लो। नहीं सरकार, मैं नहीं ले सकती। घबराओ मत, रख लो। नहीं सरकार, रख लो। नहीं सरकार, मैं नहीं ले सकती। सरकार छोड़िए। सरकार मुझे जाने दीजिए। सरकार ये क्या कर रहे हैं आप? सरकार, खुदा ने अमीर और गरीब दोनों में इज्जत का एक सा एहसास पैदा किया है। गरीबों को भी अपनी इज्जत उतनी प्यारी है जितने तुम जैसे अमीरों को। सरकार, सरकार रखो। जो है चौधरी खुदा बख्श की इस हरकत से बहुत परेशान थी। मनी मन सोचने लगी कि मुझे उसी वक्त चौधरी का गला दबा देना चाहिए था, बदले में चाहे मुझे फांसी हो जाती। कम से कम एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले को माकूल सजा तो मिलती। यही सोच सोच के बेचारी सो गई। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो फिर सोच में पड़ गई, अब क्या करे। काम पर तो जाना पड़ेगा। फिर रखो ने क्या सोचा, उसके घर में चमड़ा काटने की एक छुरी थी, वो उसने छुरी उठाई, अपने बगल में दबाई, मशक उठाई और चौधरी के घर की तरफ रवाना हो गई। और बताओ नंकू, क्या हाल है? अब पहले से अच्छे हैं। चौधरी साहब ने तुम्हारा हाल पूछा है और दवा दारू के लिए कुछ रुपए भी भेजे और ये भी कहा है
हमारे पानी की फिक्र तुम लोग ना करो। कुतुबुद्दीन को आर्जी तौर पर पानी भरने के लिए कह दिया है, और अब जब आराम आए तभी काम पे आना। अल्लाह चौधरी साहब को खुश रखे। ठीक है ननको, चलता हूं। भगोड़ा। तो इस तरह से हमारी खुददार रखो ने चौधरी को सबक सिखाया। क्यों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी। अरे तो ताली बजाओ भाई। गोविंद चाचा एक सवाल है। ए बज्जू, सवाल या नहीं, सवाल सारे प्रोफेसर साहब के सामने दागिएगा शाम को। चलिए अभी उठिए। अरे वाह नाहिद, यहाँ पर हिंदी जबान में भी कितनी सारी किताबें हैं। ये देखो 20वीं शताब्दी में उर्दू साहित्य। दिखाओ। और ये उपेंद्रनाथ अश की कहानियां। ये किताब मैं पढ़ूंगी। ठीक है, मैं उपेंद्रनाथ अश की कहानियां पढ़ती हूँ। इसमें वो बहिश्ती की बीवी की कहानी कितनी अच्छी थी। वेरी गुड शिल्पा। कुणाल नजर नहीं आ रहा। अरे वो बरामदे में गोविंद चाचा से कुछ खाना बनाने की बातें कर रहा था। अच्छा। तुम किताबें देखो, मैं भी आती हूँ। ओके। शिल्पा। कोई किताबें सिलेक्ट की? हाँ सतीश, मैं ये सोच रही थी कि जब तक हम उर्दू सीखेंगे तब तक क्यों ना हम इन्हीं राइटर्स को हिंदी में पढ़े। बहुत अच्छा आइडिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो तुम। रियली थैंक यू शिल्पा। पहले मैं ये सोचता था कि मैं तुमसे कैसे कहूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब परेशानी दुगनी हो गई है। वो कैसे? यार मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा हूं। ओह माय गॉड, अभी से? हाँ अभी सोचेंगे तो प्लानिंग में आसानी होगी। प्लानिंग किस चीज के लिए? यही कि शादी कहाँ करेंगे, कोर्ट में या ट्रेडिशनल तरीके से। रिलैक्स, होल्ड डाउन सतीश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी में तुमसे ही करूँ ये जरूरी नहीं है। क्या मतलब? ओए सतीश जल्दी आ। अरे आओ यार। अरे आओ, तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। क्या पढ़ रहे हो? अरे ये किताब हाथ लगी है, हिंदी में गजलों की। नाम भी कमाल है, नाम है धूप जनवरी की फूल दिसंबर के। अच्छा। इसमें अमीर खुसरो से लेकर मशहूर शायर बशीर बद्र की गजलें हैं। फिर क्या है, तुम्हारा तो काम हो गया। लाओ लाओ। गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने साज भय चहुदेश। यार बज्जू, हमने हिंदी में शेर तो पढ़ लिया, लेकिन इसके सही मायने समझ में आने चाहिए, तभी शायरी को एंजॉय कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि हमें उर्दू जबान सीखनी चाहिए। मैं तो यहां से जाते ही एक उस्ताद को कांटेक्ट करूंगा और सीखना शुरू कर दूंगा। क्या बात है यार, मान गए। बज्जू बशीर बद्र का शेर सुनो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह वाह, ये थोड़ा आसान है, समझ में आ सकता है। एक बार फिर पढ़ो। हाँ। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।